हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज गगन एंड यू आर इंस्ट्रक्टर फॉर दिस होल कोर्स। तो लास्ट वीडियोस हमने जावास्क्रिप्ट में ऊप्स का कंसेप्ट स्टार्ट कर दिया था। आज के वीडियो में हम और ऊप्स के बारे में देखने वाले हैं, तो बिना देर क्यों करते हैं आज के वीडियो को स्टार्ट। लेकिन हाँ, उससे पहले हम न्यूटन स्कूल के बारे में देख लेते हैं कि न्यूटन स्कूल क्या है। तो न्यूटन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप टेक इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बेसिकली न्यूटन स्कूल एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं, और ये कोर्सेज स्पेशली डिजाइन किए गए हैं फ्रेशर्स के लिए एंड ऑल्सो फॉर वर्किंग प्रोफेशनल एंड ऑल्सो फॉर वुमेन विद नॉन टेक बैकग्राउंड। तो न्यूटन स्कूल पहले आपको 6 महीने के लिए ट्रेन करेगा और आपको एक अमेजिंग फुल स्टैक डेवलपर बनने में भी हेल्प करेगा। और न्यूटन स्कूल का 300 से ज्यादा टेक कंपनी के साथ नेटवर्क है, जिसमें से रैपिडो है, ड्रीम 11 है एंड डिफरेंट टेक कंपनी विच आर ऑब्वियसली गुड। तो न्यूटन स्कूल में जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो न्यूटन स्कूल आपको इंश्योर करवाता है कि इन टेक कंपनी में आपको मिनिमम 5 लाख सीटीसी के साथ प्लेस करवाया जाए। और न्यूटन स्कूल का बेस्ट पार्ट यह है कि जब तक आपकी टेक इंडस्ट्री में मिनिमम 5 लाख सीटीसी के साथ कोई जॉब नहीं लग जाती, तब तक आपको न्यूटन स्कूल को कुछ पे करना नहीं पड़ेगा। तो मतलब पहले टेक इंडस्ट्री में प्लेसमेंट, उसके बाद न्यूटन स्कूल में पेमेंट। और न्यूटन स्कूल में लर्निंग पर्पज के लिए एक लॉन्च पैड नेम करके एक प्रोग्राम है, जिसमें आपको सिंपल साइन अप करना है। और जैसे ही आप साइन अप कर लेते हैं तो बहुत से डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल है यहाँ पे, आप देख भी सकते हो। एंड वन मोर थिंग, ये सभी कोर्सेज एब्सोल्युटली फ्री है फॉर बिगिनर्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन न्यूटन स्कूल एंड लॉन्च पैड के बारे में, और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना जावास्क्रिप्ट। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसमें हम क्या देखने वाले हैं। इसमें हम सबसे पहले हम देखने वाले हैं हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावास्क्रिप्ट में क्या देखने वाले हैं। जब इसका पार्ट वन हमने देख चुके हैं लास्ट वीडियो में, ठीक है। आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे क्लास इनहेरिटेंस के बारे में, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे ओवरलोडिंग मेथड के बारे में, और लास्ट में मैं आपको स्टैटिक मेथड के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो अब बिना देर क्यों करते हैं आज के वीडियो को स्टार्ट, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट के बारे में, ओके। तो जो हमारी जावास्क्रिप्ट है वो एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट होंगे उनकी प्रॉपर्टी हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है इसको पहले हम समझते हैं, उसके बाद आएंगे हम हमारे प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक अपना उस फोल्डर में चलता हूँ जो मैंने इस कंप्लीट प्लेलिस्ट में बनाया, ठीक है, न्यूटन स्कूल जावास्क्रिप्ट, ओके। और यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट करूँगा, ओके, टू, ओके, ऑप्स टू, एंड इसको करता हूँ ओपन विद वीएस कोड, ओके, ठीक है। index.html फाइल बना लेता हूँ, index.html, और इसके बाद जल्दी से एक जावास्क्रिप्ट फाइल भी बना लेते हैं, app.js, ठीक है, ओके। और यहाँ पे सबसे पहले एक बॉयलरप्लेट ऐड कर लेता हूँ, ओके, डॉक्यूमेंट इसको तो टाइटल जैसे ही रहने देते हैं, और हमारी जो जावास्क्रिप्ट फाइल है उसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना, स्क्रिप्ट एंड app.js, ओके। अब चलते हैं हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल में, ठीक है। तो मैंने क्या चीज़ बोली थी, जो हमारी जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें हमारी जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है वो हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को समझते हैं क्या बोला मैंने। तो उसके लिए मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, फंक्शन स्टूडेंट, ओके, ओके। और यहाँ पे हम इस पर कुछ प्रॉपर्टी ऐड करते हैं, ठीक है, एफ नेम, मतलब फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम क्या हो जाएगा, फर्स्ट नेम में रखते हैं गगन, गगन, ओके। और लास्ट नेम में रेवाला, ठीक है, ओके। तो ओके, तो ये हमारी चीज़ होगी, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे कमेंट आउट कर देते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट वन। तो उसके लिए सिंपल एक वेरिएबल बना लेता हूँ, वेरिएबल स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, टू ऑब्जेक्ट वन, ठीक है, ऑब्जेक्ट वन, ठीक है। उसके लिए न्यू कीवर्ड एंड उसके बाद हमारा स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट, ओके, ओके। अब क्या करने वाला हूँ मैं यहाँ पे, तो मैंने यह क्या किया, सबसे पहले एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी थी हमारी एफ नेम और एल नेम, ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इसके अंदर मैं और प्रॉपर्टी सेट करना चाहूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल उसके लिए मान लीजिए मैं इसको क्या करना होगा, सिंपल जो है इस टू ऑब्जेक्ट एंड यहाँ पे मान लीजिए मैं इसका एज सेट करना चाह रहा हूँ, तो एज इसका टू मैं यहाँ पे कुछ भी दे सकता हूँ, ठीक है, मान लीजिए 19, ओके, ठीक है। अब इसमें आपको कंसोल पे इसी एक ऑब्जेक्ट और क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इसी को यहाँ से कॉपी करता हूँ, ओके, और यहाँ पे पेश करता हूँ, ठीक है, और इसको चेंज करते हैं टू कर करते हैं, ठीक है, ओके। और यहाँ पे कंसोल पे प्रिंट करते हैं, कंसोल
हमारे यहाँ पे जो भी इसकी प्रॉपर्टी थी स्टूडेंट, यहाँ पे ये वाले जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ना इसकी जो भी है, ठीक है ओके। और इसी की तरह मैं इसको भी यहाँ पे प्रिंट करूँगा, ठीक है ना, ठीक है इसको भी, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ, टू करता हूँ, ठीक है। और अब अपन क्या करते हैं, इसको ओपन विद लाइव सोर करते हैं और कंसोल पे देखते हैं, फिर हम चीज़ों को अच्छी तरीके से समझते हैं, ओके। तो मैं चलता हूँ सबसे पहले कंसोल पे, ओके ठीक है, कंसोल पे ओके, ठीक है। तो ये हमारे क्या था, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वो यहाँ पे दोनों शो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको ओपन करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो ये यहाँ पे एज शो कर रहा है, एज 19, ओके। और यहाँ पे देखना, यहाँ पे हमारा शो नहीं किया, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पे सेट किया ना इंस्टेंट हमारा स्टूडेंट वन वाला ऑब्जेक्ट वन, तो ये यहाँ पे सेट हो चुका है, लेकिन ये हमारे स्टूडेंट टू पे यहाँ पे जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया स्टूडेंट ऑब्जेक्ट टू, यहाँ पे ये चीज़ें नहीं हुई। तो हम ये चीज़ें किस तरीके से कर सकते हैं, मतलब ये तो हमने एक प्रॉपर्टी बनाने के बाद यहाँ पे एक इसी पे प्रॉपर्टी सेट की इस ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। तो मतलब हम ये तो हमारे पास दो ही ऑब्जेक्ट थे, मान लीजिए हम इस पे रैंडम भी सेट कर सकते हैं, ठीक है, मैनुअली सेट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट होंगे तो उन पे किस तरीके से कर सकते हैं। तो उसका उसको यूज कर उसको सेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोटोटाइप, ठीक है। तो अब समझते हैं प्रोटोटाइप को, प्रोटोटाइप की हेल्प से हम किस तरीके से यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं, ओके। तो जो हमारे ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप है वो क्या है कि मतलब जो दी प्रोटोटाइप इज एन ऑब्जेक्ट एसोसिएट विद एवरी फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। वो हम चीज़ें अब आगे देखने वाले हैं, ठीक है। और एवरी फंक्शन इंक्लूड प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट होते हैं यहाँ पे जो भी हमारा फंक्शन होता है उसमें बाय डिफॉल्ट प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ, ठीक है ओके। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमें यहाँ पे चीज़ें सेट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होगा हमें, स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट ओके। और उसके बाद हमारे प्रोटोटाइप ओके। और यहाँ पे हम जो भी प्रोटी ऐड करना चाह रहे हैं वो चीज़ें, ठीक है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे 19 सेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। अब इसको यहाँ से किस चीज़ें को करते हैं रिमूव, ओके। अब अपन चलते हैं वापस से अपने लाइव सर्वर वाली चीज़ पे, ठीक है ओके। तब यहाँ पे देख सकते हो, अब यहाँ पे चीज़ें देख, एक मिनट रुको, यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, ठीक है। हमने जो यहाँ पे ये वाली चीज़ थी, तो ये वाली चीज़ क्या कहलाती है, ये हमारी कहलाती है इंस्टेंट मेंबर, ओके। और जो यहाँ पे देखोगे आप प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट में ये वाली चीज़ होती है हमारे प्रोटोटाइप मेंबर, ठीक है ओके ठीक है। तो जो ये हमारी ये वाली चीज़ होती है एफ नेम, ये वाली हमने यहाँ पे सेट की है ये चीज़ें, तो ये चीज़ें होती है हमारी इंस्टेंट मेंबर, और ठीक है। और इसके बाद ये वाली चीज़ होगी ये हमारी प्रोटोटाइप मेंबर, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, तो जो हमने क्या हमने सभी ऑब्जेक्ट पे ये वाली प्रॉपर्टी ऐड कर दिया, ठीक है। तो इसलिए हम यूज करते हैं हमारा प्रोटोटाइप, ओके, प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट के बारे में, ओके। तो ये था हमारा सिंपल सा हमारे प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट के बारे में, ओके। तो ये था हमारा सिंपल सा प्रोटोटाइप के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया था, हम दो यहाँ पे प्रॉपर्टी सेट किए, ठीक है। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट पे और भी प्रॉपर्टी ऐड करना चाहें, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक जो वाला हमारा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट वन था इसके इंस्टेंट पे प्रॉपर्टी सेट की थी, लेकिन वो यहाँ पे सभी के लिए अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करने वाले हैं, उसके प्रोटोटाइप यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सिंपल सा प्रोटोटाइप के बारे में, ओके। तो अब नेक्स्ट चीज़ हम देखने वाले हैं हमारी, तो नेक्स्ट चीज़ हम क्या देखने वाले हैं, तो नेक्स्ट चीज हम देखने वाले हैं हमारी क्लास इनहेरिटेंस के बारे में, ओके ठीक है। तो जो हमारा क्लास इनहेरिटेंस होता है वो क्या होता है, मतलब एक क्लास को एक्सटेंड करने का, ठीक है। उसमें हम समझेंगे किस तरीके से हम एक क्लास की हेल्प से दूसरी क्लास को बना सकते हैं, ओके ओके। और ये सेकंड पॉइंट क्या है कि यूजिंग इनहेरिटेंस वी कैन एक्सेस ऑल प्रॉपर्टी एंड मेथड ऑफ द पेरेंट क्लास, ठीक है। मतलब हम एक क्लास बनाएंगे उसकी हेल्प से उसकी चाइल्ड क्लास बनाएंगे, ठीक है, मतलब उसको एक्सपैंड कर लेंगे, ठीक है। तो वो किस तरीके से कर सकते हैं वो अब हम कोड करके देखने वाले हैं, ओके। तो अब हम कुछ कोड करके समझते हैं हम क्लास इनहेरिटेंस के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम एक पेरेंट क्लास बनाएंगे, फिर हम एक उसकी हेल्प से एक पेरेंट क्लास बनाएंगे, फिर हम उसकी एक चाइल्ड क्लास क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है, इनहेरिटेंस की हेल्प से, ठीक है। इनहेरिटेंस का मतलब यही होता है कुछ विरासत में मिला, मतलब कि हम एक क्लास जनरेट करेंगे उसकी हेल्प से ही हम क्या करेंगे, एक्सटेंड कीवर्ड की हेल्प से यूज एक्सटेंड कीवर्ड को यूज करके हम चाइल्ड क्लास जनरेट करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम तो पेरेंट क्लास बनाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल क्लास, ओके पेरेंट, ओके ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले कंस्ट्रक्टर, ओके। और यहाँ पे हम कुछ सबसे पहले एफ नेम, हमारा फर्स्ट नेम जो हम वैल्यू पास करने वाले हैं, ठीक है, लास्ट नेम, ओके, एज एंड लास्ट में सिटी, ठीक है। और यहाँ पे हम कुछ प्रॉपर्टी भी सेट कर देते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी सेट करते हैं सबसे पहले दिस डॉट एफ नेम, एफ नेम,
सिंपल है अपने, ठीक है। उसके बाद लास्ट नेम, एल लास्ट नेम, ठीक है, एल नेम, ओके। एक मिनट रुको यार, ये वाली चीजें, ठीक है, ओके। और इसके बाद हमारा दिस डॉट एच, ओके एच, ओके। और लास्ट में हमारा क्या है, सिटी है ना, दिस डॉट सिटी, ठीक है, यहाँ पे सिंपल सिटी, ओके। यहाँ पे हमने क्लास क्रिएट कर लिया, ठीक है, पेरेंट नेम से हमने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट की है, ठीक है, और उसके अंदर यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी सेट किए हैं, ओके। हाँ, तो ये मैंने क्या किया, एक क्लास क्रिएट की है, ठीक है। अब इसका मैं क्या करने वाला हूँ, एक सबसे पहले तो हम पेरेंट क्लास क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो पेरेंट क्लास क्रिएट करने के लिए आपको सिंपल क्या यूज करना है, एक्सटेंड यूज करना है। सबसे पहले तो मैं एक क्लास बनाऊंगा, क्लास पेरेंट, ओके। यहाँ पे हमारा क्या है, क्लास पेरेंट का ही बना रहे हैं ना, और जो भी मैं वो चाइल्ड क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, सॉरी पेरेंट नहीं, चाइल्ड क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, इस क्लास की हेल्प से हम दूसरी क्लास क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल उसका नेम डालना होगा, ठीक है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे स्टूडेंट स्टूडेंट क्लास नेम बनाता हूँ, ठीक है, स्टूडेंट, और यहाँ पे हमारा एक्सटेंड, ओके एक्सटेंड, ओके, और जो भी हमारे पेरेंट क्लास है उसका नेम, ठीक है, ओके। तो इससे क्या होगा, मेरी यहाँ पे एक क्लास क्रिएट हो जाएगी, ठीक है ना। तो जो भी हमें इसकी प्रॉपर्टी है वो हम इस स्टूडेंट क्लास में हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं कुछ ऐड कर देना चाह रहा हूँ हमारी इस क्लास में। मान लीजिए मैं सबसे पहले एक फंक्शन बनाता हूँ, से समथिंग, ओके, से समथिंग, ओके। और यहाँ पे सिंपल कंसोल डॉट लॉग करते हैं, हेलो नॉट इन स्कूल, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैंने एक क्लास क्रिएट कर ली है, हमारी चाइल्ड क्लास हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली है, ओके। अब मैं क्या करने वाला हूँ, जो हमारे स्टूडेंट क्लास क्रिएट किया है ना, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाले हैं, ओके। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए सिंपल कैसे क्रिएट करते हैं वो आपको पता ही है, हम न्यू कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ Q1, ओके। तो उसके लिए मेरे को सिंपल क्या करना होगा, कॉन्स्ट, चलो इसको लेट करते हैं, तो कॉन्स्ट Q1, ओके, और न्यू और स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट, ओके। तो इससे क्या होगा, मेरी जो स्टूडेंट क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसे हम प्रिंट करवा के देखते हैं कंसोल पे, कंसोल लॉग, ओके। यहाँ पे Q1 डॉट, यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, से समथिंग, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हमारे कंसोल पे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले हमारे इसको ओपन विद लाइज, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको ये वाली चीज़ प्रिंट करवाते हैं, ठीक है, और इसके बाद हम इसको रिप्लिकेट कर लेते हैं, ओके, से समथिंग एंड ये वाली चीज़ें, ओके। अब करते हैं इसको ओपन विद लाइज सर्वर, ठीक है, ओके। अब चलते हैं कंसोल पे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या था, स्टूडेंट, ठीक है। तो एक मिनट वापस से आते हैं मेरे इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक हमारी पेरेंट क्लास क्रिएट की है, ठीक है। तो पेरेंट क्लास क्रिएट की है और उसके बाद हमने यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड की हेल्प से मतलब इनहेरिट कर लिया हमारी इस स्टूडेंट क्लास को, हमारी इन पेरेंट क्लास से हमने इनहेरिटेंस कर लिया, ठीक है। मतलब है कि हमने यहाँ पे चाइल्ड क्लास क्रिएट कर लिया, ठीक है। इसका मतलब इससे ये होगा कि जो भी हमारी पेरेंट क्लास पे प्रॉपर्टी वगैरह थी वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक अलग से यहाँ पे एक कंसोल डॉट लॉग कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब आपको बताता हूँ यहाँ पे कंसोल पे वापस, ठीक है। तो ये सबसे पहले था हमारा स्टूडेंट, और जो हम हेलो नॉट इन स्कूल प्रिंट करवाए थे वो वाली चीज़ें यहाँ पे हो गई, ठीक है, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो ना, जो भी हमारे स्टूडेंट में जो भी हमारी चीज़ें आ रही थी वो यहाँ पे शो कर रही है, क्योंकि पहले हमारी किस में थी ये प्रॉपर्टी, हमारी इस पेरेंट क्लास में थी, लेकिन हमारे यहाँ पे आप देख सकते हो क्यूमन हमने यहीं पे किया ना, तो मतलब जो भी हमारी इसकी प्रॉपर्टी थी वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैं एक दो प्रॉपर्टी और सेट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी चलो कोई नहीं, रहने देते हैं, ठीक है। इससे आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। तो ये था हमारा सिंपल सा इनहेरिटेंस के बारे में, ठीक है, कि किस तरीके से हम एक पेरेंट क्लास बनाएंगे उसकी हेल्प से हम एक चाइल्ड क्लास बना सकते हैं, ठीक है, ओके। तो अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं हम, तो नेक्स्ट चीज़ हम देखने वाले हैं ओवरराइडिंग मेथड के बारे में, ओके। तो हमारे ओवरराइडिंग मेथड में क्या होता है कि मान लीजिए हमने जो यहाँ पे जो भी क्लास क्रिएट की है ना, ये हमारी पेरेंट क्लास है, ठीक है। तो इसमें कोई भी मेथड होगा, ठीक है, उसको हमारी ये उस मेथड को हम क्या करेंगे, जो भी हमारी चाइल्ड क्लास होगी ना, उसमें हम अगर हम ओवरराइड कर देते हैं, ठीक है, मतलब उसी नेम से हम उसको वो कर देते हैं, कोई दूसरा हम मेथड बना लेते हैं, ठीक है। तो उससे हमारा क्या होगा, जो हमारा पेरेंट का है ना
मेथड है वो ओवरराइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल सा ओवरराइड के बारे में। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, जब हम कुछ एग्जांपल वगैरह देख रहे होंगे तब इसको और अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है ना, तो ये था हमारा सिंपल ओवरराइड मेथड के बारे में। ठीक है, इफ दी सेम मेथड नेम यूज इन चाइल्ड क्लास दी पेरेंट मेथड विल बी ओवरराइड। ओके, तो आज के वीडियो के लिए गाइज बस इतना ही। ओके, तो यहाँ पे हमने दो तीन चीज़ें देखी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा है प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट के बारे में। ओके, उसके बाद हमने क्या देखा हमारे क्लास इनहेरिटेंस के बारे में। ठीक है, तो किस तरीके से हम एक क्लास बना सकते हैं और उससे हम इनहेरिट कर सकते हैं, कोई दूसरी क्लास बना सकते हैं। ठीक है, हम उसमें प्रॉपर्टी वगैरह भी ऐड कर सकते हैं अगर हम और प्रॉपर्टी ऐड करना चाहें। ठीक है, और लास्ट में हमने देखा अगर मतलब उसका नेम वगैरह सेम हो जाएगा तो वो मेथड ओवरराइड हो जाएगा। ठीक है, तो बस गाइज आज के वीडियो के लिए इतना ही। और हाँ, वीडियो के लास्ट पॉइंट पे बात करते हैं न्यूटन स्कूल के लॉन्च पैड प्रोग्राम के बारे में। ओके, तो न्यूटन स्कूल का लॉन्च पैड प्रोग्राम एक लर्निंग पर्पज के लिए प्लेटफॉर्म बना गया है। उसको एक्सेस करने के लिए आपको सिंपल न्यूटन स्कूल पे आना है पहले, तो उसके बाद आपको सिंपल लॉन्च पैड पे क्लिक करना है। ओके, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर आपको स्टार्ट नाउ फॉर फ्री पे क्लिक करना है। ओके, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। मैंने पहले से अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो इसलिए मेरे को ये डैशबोर्ड शो कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो तीन सेक्शन बने हुए हैं। फर्स्ट है ट्रैक, जिसमें हमारे बहुत से कोर्सेज अवेलेबल होंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट जुलाई 2021। ओके, और इसके बाद यहाँ पे हमारे और इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट से हो गए, बिगिनर गाइड डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम इन जावा। ओके, हिंदी में है यहाँ पे, और कंप्लीट पाइथन कोर्स फॉर बिगिनर। ओके, तो इस तरीके से बहुत सारे कोर्स अवेलेबल हैं, आप इनको चेकआउट कर सकते हो। तो सेकंड सेक्शन है प्लेग्राउंड, तो इसमें क्या है कि आप ऑनलाइन कोड रन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, उसको आपको सेटअप करना जरूरत नहीं है, आप सिंपल इस लॉन्च पैड पे आइए और प्लेग्राउंड में आने के बाद अपना कोड रन कर सकते हैं। ओके, आगे हम जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करवाने के लिए हम इसी का यूज करने वाले हैं, लेकिन अभी हम दो तीन वीडियो वीएस कोड में देखने वाले हैं, उसके बाद हम भी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दो तीन प्लेग्राउंड बना रखे हैं। ओके, और जो इसका लास्ट है वो है कॉन्टेस्ट सेक्शन। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे कॉन्टेस्ट जो अभी न्यूटन स्कूल करवा रहा है या पास्ट में हो चुके हैं या फ्यूचर में होने वाले हैं, वो सभी यहाँ पे अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो पास्ट कॉन्टेस्ट की एक लिस्ट बनी हुई है यहाँ पे। ओके, अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आप यहाँ पे आके सिंपल पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओके, और जो अभी चल रहे हैं उनमें से है न्यूटन कोडिंग चैलेंज जून 2021। ओके, और जो इसका जो सेकंड है वो है न्यूटन ग्रांट कॉन्टेस्ट। ओके, तो अभी तक आपने पार्टिसिपेट नहीं किया इसमें, तो आप इसमें पहले रजिस्टर कीजिए, उसके बाद इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट। और हाँ गाइस, वीडियो के लास्ट में एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये हमारा ओप्स का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, टॉपिक अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं एरर हैंडलिंग के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो को मिस मत कीजिएगा। ठीक है, उसके लिए आप क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जिससे आप एक भी वीडियो मिस ना कर पाए। और काम और कीजिएगा साथ के साथ, जो मेरी ये वाली प्लेलिस्ट है जावास्क्रिप्ट की, उसको अपने ब्राउजर पे बुकमार्क कर लीजिए। ठीक है, जिससे आप एक भी वीडियो को इधर उधर ना कर पाए। ठीक है, तो बस गाइज आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।